नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और ये सीधे तस्वीरें आप कैथल ब्रेकिंग टीवी पर देख रहे हैं। हर एक के मन में जहन में एक ही सवाल है कि कोरोना से कैसे बचा जाए, किस तरह से बचाव किया जा सके। जिला प्रशासन हो या सरकार हो, तमाम इंतज़ाम आप लोगों के लिए कर रही है, वो भले ही लॉकडाउन के तहत इस चेन को तोड़ने का कर रही है, लेकिन उसी कड़ी में अगर हम बात करें कैथल के पुलिस प्रशासन की, समय मौजूद हैं कैथल के सर छोटराम चौक पर। जहाँ पुलिस प्रशासन की बात आती है तो बड़ी मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है। तीसरे लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की अगर हम तस्वीर की बात करें तो इस तीसरे लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारियाँ भी काफ़ी बढ़ गई हैं और काफ़ी चेकिंग जो है वो की जा रही है। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कितने व्हीकल्स जो है वो रोक कर चेकिंग की जा रही है और किस तरह की चेकिंग की जा रही है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर वाहन चालक जो मौजूद है उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार वो किस लिए किस काम से निकले थे और क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना कहर है वो लगातार जो है वो बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों से अब कोरोना के केसेस जो है वो कम देखने को भी मिले हैं। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं, जो गाइडलाइन दी गई है, उनको लोगों ने बखूबी निभाया भी और पालन भी किया बखूबी। अब तस्वीर देख रहे हैं कि अब जिम्मेवारी तीसरे लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन की काफ़ी बढ़ गई है। तमाम कैथल के चौक चौराहों की बात करें तो पुलिस अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रही है, लेकिन हम लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और घर पर रहकर इस कोरोना जैसी महामारी से जो बचाव किया जा सकता है वो करना है, क्योंकि आप बखूबी देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह से अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। इनको भी चिंता है कि हमें भी कोरोना हो सकता है, हमारे भी परिवार के बच्चे हैं वो भी इस कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन उसकी परवाह किए बिना ही अपनी ड्यूटी जो है वो निभा रहे हैं। जान है तो जहान है। चलिए हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे। भैया से बात करते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार। किस लिए घर से आए थे? बेकरी है सर, अपने तो डिलीवरी के लिए है अपना काम। अच्छा, बेकरी का काम है आपका? यस सर, बिल्कुल जी। तो डिलीवरी करने जा रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो कोरोना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग बेवजह भी घर से गांव घूम रहे हैं, चलो आपका तो काम है और डिलीवरी आपने करनी, लोगों से क्या अपील करेंगे? सर बेवजह बाहर ना निकले, हम तो यही कहेंगे लोगों से कि अपना घर में रहे, सुरक्षित रहे, स्टे होम स्टे सेफ। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, उसके बाद हम जो पुलिस कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं उनसे ही बात करेंगे। फिलहाल अंकल जी नमस्कार। नमस्कार अंकल जी, किस लिए निकले थे घर से बाहर? काम कर रहे हैं थोड़ा। हाँ जी, काम कर रहे हैं। किस चीज़ का? बिल्डिंग बनाने का। हाँ जी, बिल्डिंग बनाने का। अच्छा, बिल्डिंग यानी आप वो हो, मिस्त्री हो? अच्छा, काम के लिए जा रहे थे? हाँ, काम के लिए। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जो मिस्त्री हैं वो भी कहीं ना कहीं काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। चले, और भी लोग हैं उनसे ही पूछते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? कृष्ण कुमार। सर हेलमेट का थोड़ा सा हिस्सा हटाएंगे। कृष्ण कुमार नाम है। सर किस लिए घर से बाहर निकले, किसी किस काम से आप जा रहे थे? मेरे को थोड़ा काम, एक्सिस बैंक में जा रहा हूँ। अच्छा, एक्सिस बैंक में जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि लोग जो है किसी ना किसी काम से घर से जो है वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों से अपील करते हैं जो बेवजह घर से बाहर निकलते हैं, आप पुलिस विभाग द्वारा जो सख्ताई कर दी गई है, अगर बेवजह घर से आप बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी चौक चौराहे पर आप पुलिस के हाथों जो है वो चढ़ सकते हैं, क्योंकि पुलिस विभाग द्वारा आप सख्ती जो है वो कर दी गई है। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? दर्शन सिंह है जी। घर से बाहर आप निकले हैं, क्या कोरोना से डर नहीं लगता? जी हम तो घर का सौदा लेने के लिए आए थे जी। अच्छा, घर का सामान लेने आए हैं जी। तो आप घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं जी। ठीक है, आपका क्या नाम है? साथी है जी, मजबूरी में आना पड़ा, फिर क्या करें, मजबूरी में आना पड़ा जी, फिर सामान तो चाहिए घर जी। चलिए, कहीं ना कहीं लोग जो है मजबूरी का नाम जो है वो भी दे रहे हैं कि हमें मजबूरी में आना पड़ता है, घर का सामान जो लेने आए हैं, लेकिन बखूबी आप देख रहे हैं कि चेकिंग अभियान जो वो चला हुआ है। अब तीसरे लॉकडाउन में जो है पुलिस विभाग जो है वो सख्त होता भी नज़र आ रहा है, क्योंकि बखूबी इनका ये मानना है कि अगर हम सख्ताई से भी अगर इस चेन को तोड़ते हैं तो हम जान बचाने में सफल होंगे और इस कोरोना जैसी महामारी को कि जो चेन है वो तोड़ने में भी सफल रहेंगे। चलिए, एक साथी हो रहा है, क्या नाम है सर? हाँ जी, पता नहीं, घर से बाहर निकले? पट्टी टवाना डॉक्टर की। हाँ जी, डॉक्टर की पट्टी टवाना आए थे भाई। अच्छा, लेकिन फिलहाल जो है वो चेकिंग चल रही है, तमाम चौक की अगर हम बात करें पुलिस कर्मचारी वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, बेवजह अगर कोई घर से बाहर निकलता है उसको चेक किया जा रहा है, और कोई अगर सही में अगर किसी को ज़रूरत है और ज़रूरत के लिए वो घर से बाहर निकला है तो उसको छोड़ा भी जा रहा है, और बेवजह अगर कोई मिलता है तो उसका चालान जो है वो किया जाता है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करते हैं कि आप बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि लॉकडाउन 3 में अब सब पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो वो सख्त होता नज़र आ रहा है। चलिए,
सर मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे ही बात कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर किस तरह के लोग मिल रहे हैं और किस तरह का चेकिंग की जा रही है? सर जो बेवजह बाहर घूम रहे हैं उनका चलान बना रहे हैं, जो अपनी मजबूरी कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में जा रहा हूँ या कोई किसी का डिलीवरी केस है, सर उनको जाने दे रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं अब पुलिस विभाग की जो है, पुलिस कर्मचारियों की जिम्मेवारी और बढ़ गई है, ऐसा कुछ आपको लगता है कि लॉकडाउन 3 जो है वो शुरू हो गया है, कुछ सख्त आदेश ऐसे आए हों? सर यही है, बेवजह घर से बाहर ना निकले, अपना घर में रहें और आस पड़ोस में भी कहीं भी आवारा ना घूमें। तो सर कुछ लोग जो जिससे भी बातचीत होती है, चलान जिनका किया जाता है, क्या बेवजह लोग घर से बाहर घूम रहे हैं, क्या लोग समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे। तो सर आपको कोरोना का डर तो आपको भी लगता होगा, लेकिन फिर भी आप जो है सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, ड्यूटी भी कर रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि मैं भी कोरोना संक्रमित हो सकता हूँ, मेरी वजह से घर के परिवार के जो सदस्य हैं वो भी कोरोना संक्रमित होते हैं, इस तरह का कोई डर आपको लगता है? डर तो लगता ही है सर, फिर भी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी सर, सरकार का जो दिशा निर्देश है उनके मुताबिक काम भी करना पड़ेगा और बच्चों का भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा जी। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अब बखूबी देखा गया है कि पुलिस कर्मचारी जो हर चौक चौराहे पर जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं साथ देते नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बेवजह घूमते हैं, बहाने काफ़ी देखने को मिलते हैं कि मैं इस काम से जा रहा हूँ, तो इस तरह के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं ये तो अपील करना चाहूँगा, घर में रहें, बेवजह बाहर ना घूमें, जो जरूरी काम है उसी के लिए बाहर निकले जी। तो जो बेवजह बाहर घूमता है तो क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? सर जिनका जो मास्क नहीं लगा रहे होंगे मास्क का चलान करते हैं, जो इसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं है फिर उसका चलान बनाते हैं, उनका चलान किया जाता है। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप घरों में रहकर अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, ताकि हम कोरोना जैसी महामारी की चैन को तोड़ सके। चलिए हम यहाँ पे अंकल हैं उनसे, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर किस काम के लिए निकले थे घर से बाहर? सर मैंने दवाई लेके आनी थी मेरे पिताजी के लिए। अच्छा जी, तो उनके लिए दवाई ली है जी, और बस आज मैं एक महीने बाद शहर में आया हूँ जरूरी मतलब दवाई लेने। यानी आप जिला प्रशासन और सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? यस सर। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, लोग बेवजह भी बाहर घूमते नजर आ रहे हैं, आप आए होंगे देखा भी होगा आप लोग। हाँ जी हाँ जी सर, मैं यही अपील करना चाहूँगा भाई, आप अपने घरों में रहो और जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई हैं कोरोना से बचने के लिए उनके नियमों का पालन करो। चलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने काम की वजह से बाहर निकल रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। तस्वीर है कैथल के छोटूराम चौक की, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा, एक बार मैं तस्वीर कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि देखिए आप, बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं वो रोक लिए गए हैं और सभी से पूछताछ की जा रही है कि आप किस लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या वजह है, अगर कोई बेवजह घूमता है तो उसका चलान जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। चलिए और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। चलिए बंदे आ रहे राजस्थान से, रहने दे डॉक्टर साहब। नहीं किस लिए घर से बाहर निकले? शोरूम खुल रहा है यार अपना ना डॉन रोड पे। अच्छा, तो सामान आया हुआ राजस्थान से। अच्छा, उसको लिए तो उनके लिए आया, वो फोन पे भी कॉल पे भी है। चलिए कुछ मजबूरियां हो सकती हैं और कुछ मजबूरियां नहीं भी हो सकती हैं, कहीं बहाने भी ऐसे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग अगर घर से बाहर निकलें तो ये कहा जाता है कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, मेरा कोई ज़रूरी काम है, इस तरह के बहाने जो लगाए जाते हैं। लेकिन हम अपने चैनल से के माध्यम से लोगों से अपील यही करते हैं कि आप बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अब लॉकडाउन, तीसरे लॉकडाउन में जो वो सख्त होता नज़र आ रहा है, तमाम चौक चौराहों पर पुलिस विभाग द्वारा ड्यूटी जो है मुस्तैदी से की जा रही है, अगर बेवजह आप घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई जो है वो की जा सकती है, इसलिए आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। और जब भी घर से बाहर निकलें, कोई ज़रूरी काम हो तो मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें। कैमरामैन सुरेंद्र बहाल के साथ कैथल से मोहन नायक की रिपोर्ट।